कल तक आप सभी लोगों ने देखा डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर एंड माइक्रोजेनेसिस, आज आप देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल और डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, क्योंकि जो ये ओव्यूल है ये ओव्यूल ही क्या है, ओव्यूल ही एक तरह से आपका मेगास्पोर। तो आप कह सकते हैं ओवरी में ओव्यूल एक छोटे से आउटग्रोथ के रूप में निकलता है, यानी कि जो ओव्यूल है ओवरी में ओव्यूल जो है एक छोटे से आउटग्रोथ, जैसे ये ओवरी है ओवरी में छोटे से आउटग्रोथ के रूप में ये निकलता है। और ये क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का एक समूह होता है। किसका समूह होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का समूह होता है। और सेल्स का यही समूह ग्रोथ एंड डिवीजन द्वारा न्यूसिलस, क्या बनाता है, न्यूसिलस का निर्माण करता है। न्यूसिलस जिसको हिंदी में बीजांड कहा जाता है, ग्रोथ एंड डिवीजन द्वारा न्यूसिलस का निर्माण करता है। और यही न्यूसिलस जो है, न्यूसिलस ओव्यूल का मुख्य भाग होता है। ग्रोथ एंड डिवीजन द्वारा न्यूसिलस का निर्माण करता है और यही न्यूसिलस एक इसका ओव्यूल का मुख्य भाग है। इस जो न्यूसिलस है, न्यूसिलस का जो चलाजर पार्ट है, जिसे चलाजर पार्ट है, चलाजर की तरफ से जिसको हिंदी में निभाग कहते हैं, ये चलाजर पार्ट जो है ये इंटेग्यूमेंट जिसको हिंदी में अध्यावरण कहा जाता है, अध्यावरण का निर्माण करता है। माइक्रोपाइप, ये माइक्रोपाइप है, माइक्रोपाइल को छोड़ करके ओव्यूल के पूरे भाग पर ये कवर कर लेता है, ओव्यूल के पूरे भाग को ही ढक लेता है। और जो ये फ्यूनिकल है, इस फ्यूनिकल का निर्माण भी इसी चलाजा के लंबाई में बढ़ने के कारण होता है, चलाजा के लंबाई में बढ़ने के कारण होता है। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में यही ओव्यूल है जो है, ये क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ओव्यूल क्या है, मेगा स्पोरेंजियम, ओव्यूल क्या है, मेगा स्पोरेंजियम है। और इसमें जो ये आर्ची स्पोरियल सेल्स हैं, इसी आर्ची स्पोरियल सेल्स के द्वारा ही डिवीजन एंड ग्रोथ करके ही मेगा स्पोर मदर सेल का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, मेगा स्पोर मदर सेल का निर्माण होता है। और यही मेगा स्पोर मदर सेल बाय मियोसिस डिवीजन, कैसे, मियोसिस डिवीजन
by meiosis division, four haploid megaspore का निर्माण करते हैं, four haploid megaspore का निर्माण करती है। और जो ये हैप्लोइड मेगा स्पोर है, इसमें से क्या होता है, केवल और केवल एक ही फंक्शनर होता है, बाकी अन्य डिजनरेट हो जाते हैं। अब इसमें देखें मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, आप सीधे कह सकते हैं मेगा स्पोर के बनने की क्रिया को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो कैसे होता है इसको आप देखें, कैसे इसमें मेगा स्पोरोजेनेसिस की क्रिया होती है। जैसे आर्चिस्पोरियल सेल, आर्चिस्पोरियल सेल, आर्चिस्पोरियल सेल क्या करता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा, पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा डिवाइड होता है, डिवाइड होकर के क्या बनाता है, प्राइमरी पेराइटल सेल्स और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। ये प्राइमरी पेराइटल सेल्स और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स, दो सेल्स का ये निर्माण करता है। पहला क्या है, प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल, और दूसरा क्या है, स्पोरोजेनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। स्पोरोजेनस सेल्स क्लियर, ये दो प्रकार के बनते हैं। ये जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स है ये डिवाइड नहीं होती है, तो करती क्या है, ये सीधे मेगा स्पोर मदर सेल की तरह कार्य करने लगती है। सीधे किसकी तरह, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह कार्य करने लगती है। ये डिवाइड हो रहा है, पेराइटल सेल्स डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये मेगा स्पोर मदर सेल्स डिवाइड नहीं होता, सॉरी आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड नहीं होता है, ये स्वयं किसका कार्य कर रहा है, मेगा स्पोर मदर सेल का कार्य कर रहा है। ये जो स्थिति ये संरचना मेगा स्पोरेंजियम है, और इसे मेगा स्पोर मदर सेल के मियोसिस डिवीजन के परिणाम स्वरूप ये चार हैप्लोइड मेगा स्पोर का निर्माण होता है, जिसमें से जो चराचर पॉइंट की तरफ का मेगा स्पोर है वो एक्टिव होता है, फंक्शनल होता है, और शेष जो तीन होते हैं वो तीनों के तीन क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, कैसे जो है डेवलपमेंट होता है इसको आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे ये तीन चार जो कि टेट्राइड है, टेट्राइड कंडीशन में है, चार मेगा स्पोर
चार, ये जो तीन है ये तीन मेगा स्कोर ये डिजनरेट हो जाते हैं। डिजनरेट का मतलब नष्ट हो जाते हैं, डी जनरेट, और एक यही मेगा स्कोर जो होता है वो फंक्शनल होता है, फंक्शनल मेगा स्कोर। अब क्या होता है, ये जो मेगा स्कोर फंक्शनल है यही फंक्शनल मेगा स्कोर मियोसिस डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर के दो न्यूक्लियस का निर्माण करता है। ये जो डिवाइड होगा और डिवाइड होकर के दो जो है में न्यूक्लियाई का निर्माण करता है, और ये दोनों के दोनों न्यूक्लियाई जो है कहां पर ध्रुव की ओर चले जाते हैं, कहां पर चले जाते हैं ध्रुव की तरफ चले जाते हैं, और ये पुनः डिवाइड होकर के सूत्री विभाजन द्वारा डिवाइड होकर के दो चार, दो फिर चार न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं। दो दो न्यूक्लियाई, फिर दो से चार, चार न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं। फिर क्या होता है, इन चार न्यूक्लियाई में से, इन चार न्यूक्लियाई में से एक एक न्यूक्लियाई है इसका और एक न्यूक्लियाई इधर का, दोनों मध्य की तरफ आते हैं, सेक्स में मध्य की तरफ आते हैं। तो मध्य की तरफ आएंगे तो क्या होता है, देखें ये मध्य की तरफ आए, मध्य की तरफ मिल गए और तीन यहां बच गए, तीन यहां बच गए, ये दोनों जो है आपस में मिल करके डिप्लॉयड मेगा स्कोर का निर्माण करते निर्माण कर लिया। और बाकी की जो यहां पर तीन बच रहे हैं, तीन ये जो बच रहे हैं ये तीन जो है सिनर्जिक सेल्स, सिनर्जिक सेल का मतलब सहायक कोशिकाओं का निर्माण करती है। तीन जो है किसका निर्माण करती है, सहायक कोशिकाओं का निर्माण करती है, सहायक कोशिका कौन सी कोशिका का निर्माण करती है, सिनर्जिक सेल्स, सिनर्जिक सेल्स का निर्माण। और जो शेष तीन इधर नीचे की तरफ बची हुई है सेल्स, ये शेष तीन नीचे की तरफ बची हुई सेल्स जो है वो इस तरह से एंटीपोडल सेल्स, किसका, एंटीपोडल सेल्स का निर्माण करती है, पोडल सेल्स का निर्माण करती है। इस प्रकार से जो ओव्यूल का डेवलपमेंट है, मेगास्पोर का डेवलपमेंट है, वो होता है। क्लियर, इसका नोट्स भी भेजा जाएगा, और ये फिगर जो आप देख रहे हैं इस फिगर को भी आप अच्छी प्रकार से बना लेंगे, जितना फिगर आपको हमने बना करके इस ग्रीन बोर्ड पर बताया है समस्त फिगर को भी आप बना लेंगे। क्लियर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्कोर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोर, इसमें माइक्रोस्कोरोजेनेसिस एंड मेगा स्कोरोजेनेसिस। क्लियर, चलिए अब दूसरी चीज यहां पर देखते हैं, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या है,
पॉलिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? पार पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इसको हिंदी में पॉलिनेशन को हिंदी में कहते हैं परागण। परागण क्या है? आप कह सकते हैं परागकणों का वातिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया पॉलिनेशन या परागण कहलाती है। परागकणों का पुष्प के वातिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि ये जो है वातिकाग्र है, ये स्टाइल है, ये पुष्प का ऊपरी का हिस्सा है, ये आपका कोरोला है, ये कैलिक्स का हिस्सा है, ये फिलामेंट है। तो जो परागकण है, जैसे यहां पर ये एंथर है, स्टॉमेन सॉरी स्टॉमेन है, यहां पर ये एंथर इस प्रकार से लगा हुआ है एंथर। तो इसी पे इसका जो है परागकण होता है एंथर भाग में, कल आपने पढ़ा है इसी में जो परागकण बनते हैं। तो यहां से ये परागकण जो उड़ करके अथवा किसी भी माध्यम से जो आकर के इसी वातिकाग्र पर पड़ते हैं, तो इसी क्रिया को जाकर के हम पॉलिनेशन या परागण। ये दो प्रकार से होता है, एक स्वपरागण और दूसरा परपरागण। दो प्रकार के पॉलिनेशन पाए जाते हैं, एक स्वपरागण और दूसरा परपरागण। स्वपरागण का मतलब कि जब उसी पुष्प के पुंकेसर से परागकण निकल करके आ करके उस पुष्प के वातिकाग्र पर, स्वाभ्यान को स्वयं। इसमें ऐसा कब होगा, उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? उसके लिए कंडीशन ये है कि इसका फिलामेंट इसके स्टाइल से हमेशा बड़ा होना चाहिए। इसके स्टाइल से हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तभी आकर के इसके परागकण इस पर पहुंचते हैं। और दूसरा है कि इसको कहेंगे अंग्रेजी में सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब परपरागण, जो कि जब विभिन्न विधियों द्वारा होता है, और ऐसे में क्या जो विभिन्न विधियां हैं कौन कौन सी हैं, दूसरे के द्वारा जो होता है, जैसे अभिन कीटों द्वारा है, भौरों द्वारा है, पक्षियों द्वारा है, हवा द्वारा है, जल द्वारा है, ये उसके जो है तरीके हैं। पक्षियों द्वारा भौरे द्वारा कैसे होता है आपने देखा होगा, बहुत सारे जो है कीट पतंग या भौरे जो है उड़ करके आते हैं, इसके स्टॉमेन यानी पुष्पक भाग पर बैठते हैं, यहाँ से वो परागकण उनके शरीर पर चिपक जाता है, और वो जब उड़ करके किसी उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प पर जाकर बैठते हैं, तो ऐसे समय पर
वो परागकण जाकर के उस वाहिनी कागज पर चिपक जाता है तो पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है। जैसे जो जलीय पौधे हैं, जलीय पौधों में माध्यम उसका जल है, क्योंकि ये जो परागकण है ये पानी की सतह पर गिर जाते हैं तैरते हुए, वो जो जाकर के जब उस पुष्प के वाहिकाग्र पर पहुंचते हैं तो जल द्वारा जो पॉलिनेशन हो जाता है, फिर हवा द्वारा, हवा द्वारा क्या है यानी कि जब हवाएं तेज चलती हैं, तेज हवा चलने से क्या होता है कि एक पौधा जो दूसरे पौधे से बराबर टकराता रहता है, उसके पुष्प आपस में टकराते रहते हैं और टकराने से क्या है का जो परागकण है वो तो दूसरे पुष्प के ऊपर जाकर के पड़ता रहता है। इस तरह से जो है उसमें वायु द्वारा भी परागण होता है। इस प्रकार से आपने देखा परागण की क्रिया और डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। धन्यवाद।